सबसे बड़ी बात है कि सरकार हम लोग के साथ पबजी की तरह गेम खेल रहा है और ये एग्जाम करीब 1.5 साल से सी एग्जाम रोका हुआ है और इसके बारे में बीजेपी के कोई भी नेता इस पर टिप्पणी नहीं किया है, जिसके कारण हम लोग को रोड पर उतरना पड़ा है और ये जो टीओटी लागू किया है संपूर्ण रूप से आप रिटर्न किया जाए वरना सरकार को बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो हम लोग रोड पर उतर के और गलत कदम उठाना पड़ेगा। दोस्तों अभी अभी जो आपने विरोध प्रदर्शन देखा ये आज हमारे संपूर्ण देश में हो रहा है और ये प्रदर्शन हो रहा है सरकार की उस नई स्कीम के अंतर्गत जिसके अंतर्गत हमारी सरकार हमारे देश के युवाओं को 4 साल के लिए अग्निवीर बनाना चाहती है। दोस्तों ये है हमारी सरकार की अग्निपथ योजना। क्या है ये अग्निपथ स्कीम आप इसके बारे में भी सरकार के नजरिए से ही समझ लीजिए। अगर आप युवा हैं, अगर आप में है देशभक्ति का जज्बा और अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना और साथ में है अग्नि जैसा तेज, तो हो जाइए तैयार अग्नि पथ पर चलने के लिए। अग्नि पथ बन सकता है आपके लिए अवसर पथ। आप बन सकते हैं अग्नि वीर। थल सेना, वायु सेना और नौसेना में अग्नि वीर के रूप में शामिल होने का सुनहरा मौका। 4 साल के लिए भर्ती और 4 साल बाद मौका स्थायी भर्ती का। 17.5 से 21 वर्ष की आयु वर्ग के देश भर के युवाओं के लिए। तो दोस्तों अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है ये अग्निपथ स्कीम, जिसकी तरफ से देश में कहीं टायर जलाए जा रहे हैं, कहीं ट्रेनों में आग लगाई जा रही है। आज राजनीति से लेकर राजव्यवस्था सबके लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। लेकिन अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के हमारे देश के युवाओं में इतना ज्यादा आक्रोश पैदा हो गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अट्रैक्टिव फाइनेंशियल पैकेज आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप लोगों को एक स्किल प्रोवाइड की जा रही है। माना जा रहा है कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद जब युवा अपने समाज में वापस लौटेगा तो वो एक डिसिप्लिन युवा होगा। कहा जा रहा है कि यहाँ पे इनके लिए एक सेवा निधि प्रोवाइड की जाएगी, मतलब आपको जो साल भर का सैलरी है, महीने भर की सैलरी है, वो तो मिली रही है, उसके साथ आपके लिए एक सेवा निधि होगी, जिसके अंतर्गत क्या होगा, जिसके अंतर्गत आपकी सैलरी में से कुछ पैसा काटा जाएगा और इतना ही पैसा सरकार मिलाएगी और वो दोनों का जो अमाउंट है वो आपको 4 साल का टेन्योर खत्म होने के बाद दे दिया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर किसी सैनिक की मृत्यु हो जाती है इन 4 सालों की अवधि में तो उसको लगभग 48 लाख तक का जो एक अमाउंट है वो दिया जाएगा, उसकी फैमिली को दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 साल का जो सैलरी पैकेज है वो 4.76 लाख है और ये जो है ये पहले साल का है, चौथे साल तक ये 6.92 लाख तक बढ़ता ही जाएगा। इसके अलावा ये जो मैंने आपको बताया 48 लाख, ये मतलब मृत्यु पे मिल रहा है। अगर मान लीजिए आपने सकुशल रहकर अपने देश की सेवा 4 सालों के लिए की, उसके बाद भी आप लोग जब जॉब को छोड़ेंगे तो आपको 11.71 लाख का जो अमाउंट है वो मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी देश की सरकार को इसमें ना केवल देश के लिए बल्कि हमारे देश के युवाओं के लिए भी पूरी तरीके से फायदा ही फायदा समझ में आ रहा है। और हमारे देश की सरकार का तो ये भी कहना है कि जब कोई व्यक्ति 4 साल से इस तरीके से ट्रेनिंग लेकर आएगा तो उसको कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज वगैरह में बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे जो हमारी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है वो इनको जॉब देते टाइम प्रायोरिटी देंगी, लेकिन इसके बावजूद युवाओं के बहुत से सवाल हैं। चलिए ऐसे सवालों पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहला पॉइंट जिसके ऊपर हमारे देश के युवा
ऐसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो है कि हम इन 4 सालों की नौकरी के बाद क्या करेंगे। आप देख सकते हैं 17.5 से 21 साल की उम्र के जो युवा हैं वो अगर यहाँ पर जाते हैं और उसके बाद जब वो लौटते हैं तो उसके बाद उन्हें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी क्या गारंटी है। और आप लोग ये भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा है, कॉरपोरेट सेक्टर में वैसे ही जॉब इतनी मुश्किल से मिलती है, ऐसे में क्या इन लोगों को 4 साल अपनी जिंदगी में, जब ये ठीक से कॉलेज नहीं कर रहे, बहुत सारे अलग अलग जो चीजों में ये जा सकते थे वहां नहीं जा रहे हैं, और फिर ये वापस आएंगे तो क्या उस समय इनको अच्छे से जॉब मिलेगी। उसके बाद इनका अगला प्रश्न है कि यहाँ पे ये सिर्फ 4 साल के लिए क्यों है। दोस्तों जब ये प्रश्न हमारे देश का युवा पूछ रहा है ना, तो मतलब मुझे एक इंडियन होने पे बहुत प्राउड महसूस होता है। हमारे देश के युवाओं का कहना ये है कि हमें तो भाई पूरी जिंदगी अपने देश की सेवा में लगानी है। आप देश जानते हैं कि साउथ कोरिया, इसराइल ऐसे देश हैं जहाँ पे आबादी इतनी कम है कि उन्हें कंपल्सरी सर्विस करनी पड़ती है, इस तरीके से उन्हें अनिवार्य रूप से जाना ही पड़ता है अपने देश की सेना में। लेकिन यहाँ हमारे देश में किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होती। ये स्कीम में भी आप लोग अपनी इच्छा से जाएंगे, और वैसे भी जो आप लोग परमानेंट भर्ती के लिए जाते हैं वो भी अपनी इच्छा से जाएंगे। तो ये लोगों का कहना है कि सिर्फ 4 साल के लिए क्यों। यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे बहुत से युवाओं ने कहा है कि वो इस बात से हताश हैं कि अपने आप को वो कई सालों को से फिजिकल फिट कर रहे थे कि उनको सेना में, आर्मी में एक अच्छी सी परमानेंट जॉब मिले। लेकिन अब ये जो नई स्कीम आ गई है, इसके तहत कहा जा रहा है कि उन्हें सिर्फ 4 सालों की जॉब मिलेगी। दोस्तों एक बड़ा पॉइंट ये है कि अभी तक सरकार को इस चीज के ऊपर बिल्कुल ही क्लियर बयान देना होगा कि क्या इस ये जो अग्निपथ स्कीम है जिसमें अग्निवीर बनाए जा रहे हैं, इसके साथ वो व्यवस्था भी पैरेलल चलेगी जो इतने दिनों से चली आ रही है, परमानेंट भर्ती वाली। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये स्कीम शायद उतनी अच्छी नहीं है, इसके इम्प्लीमेंटेशन में गड़बड़ है, इसके लाने का उद्देश्य ही ठीक नहीं है। जैसा कि कहा जा रहा है कि इसका उद्देश्य केवल ये है कि सरकार हमारे सैनिकों की सैलरी में, उनकी पेंशन में जितना भी सरकार का बजट जाता है उसमें कटौती करना चाहती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि जो 4 साल के लिए आप इन्हें बुला रहे हो, 4 साल में होगा क्या, लगभग 6 महीने साल भर की तो ट्रेनिंग होगी, उसके बाद कुछ दिनों के लिए इंसान छुट्टी पे जाएगा, तो इतने कम टाइम पीरियड में वो देश की कितनी सेवा करेगा। मेक द रिटेंशन ऑफ दो स्कीम टू सर्व लॉन्गर एटलीस्ट 50%। और इसके अलावा जैसा कि आप लोगों को अभी बताया गया कि जो 25% लोग होंगे उन्हें परमानेंट जॉब मिल जाएगी, जैसे जो लोग 4 साल के लिए जा रहे हैं उनमें से 25% को परमानेंटली रख लिया जाएगा। तो भाई उसका क्राइटेरिया क्या होगा, पहले उसका क्राइटेरिया भी आप क्लियर कीजिए। दूसरी बात ये है कि आप सिर्फ 25% को क्यों रख रहे हो, कम से कम 50% लोगों को रखो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर कही जा रही हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जितना इसके पक्ष में बातें कही जा रही हैं उतनी इसके विपक्ष में भी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो विपक्षी नेता हैं उनके बयान बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं माननीय राहुल गांधी जी का बयान, उसके बाद आप देख सकते हैं माननीय भाजपा सांसद वरुण गांधी जी ने भी ट्वीट कर करके ये कहा है कि इससे सेना की गरिमा भी प्रभावित होगी। दोस्तों बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हमारी इंडियन आर्मी, हमारी इंडियन फोर्सेस इस दुनिया की सबसे ज्यादा शक्तिशाली फोर्सेस में से एक है। ऐसे में जब हम ऐसे युवाओं को जो 17.5 से 21 साल के हैं, जिनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें जब भर्ती करेंगे, सो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं हमारी जो सेना है वो उतनी ज्यादा मजबूत नहीं रहेगी, उसमें कमजोर पक्ष ऐड हो जाएगा। वहीं इसके विपक्ष में कहना ये भी है कि जब इस तरीके से कम उम्र के लोग आएंगे तो जो एक एवरेज एज होती है, अभी क्या होता है 32 से 35 साल तक का एक एवरेज एज होती है फोर्स में, लेकिन मान लीजिए कोई 21 साल का व्यक्ति भी भर्ती हो रहा है तो वो सिर्फ 25 साल तक ही अपनी जॉब कर रहा है, तो इससे युवा शक्ति मिलेगी। अब पक्ष और विपक्ष दोनों ही चीजें हैं भाई, मैं आपको दोनों ही बता रही हूँ। वरुण गांधी साहब भी कहते हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर देश के युवाओं के मन में आज कई सवाल हैं, उन्हें असमंजस की स्थिति से पूरी तरीके से बाहर निकालना होगा। चलिए तो आप लोगों को ना अब इस वीडियो के अंत में सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी साहब का ये ट्वीट पढ़ के सुनाऊंगी,
और मेरे जाने के बाद इसी वीडियो में आप थोड़े से वो पॉजिटिव पॉइंट भी उन विशेषज्ञों के द्वारा सुनिए जो इस व्यवस्था को मुझसे और आपसे और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। ना कोई रैंक, ना कोई पेंशन, ना 2 साल से कोई डायरेक्ट भर्ती, ना 4 साल के बाद स्थिर भविष्य, ना सरकार का सेना के प्रति सम्मान। देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज सुनिए, इन्हें अग्नि पथ पर चलाकर इनके संयम की अग्नि परीक्षा मत लीजिए। मैं नहीं कह रही, हमारे देश के युवा नेता कह रहे हैं। चलिए तो आपको इस वीडियो के अंत में मैं छोड़ जाती हूँ इसी अग्निपथ स्कीम के कुछ पॉजिटिव नोट्स के साथ। धन्यवाद। 32 to 33 years, and with the Agnivir and Agnipath scheme coming into the fold, in around 8 to 10 years we'll be able to lower the profile of the soldier to approximately 24 to 26 years, and this will only make the army fitter. We'll be able to handle more challenging situations that we come across in the difficult areas that our troops operate in. ये भारत की फौज में पहली बार एक ट्रांसफॉर्मेशन लाई, भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाई, और ये जो योजना है ये भारतीय फौज, भारतीय फौज जब मैं बोलता हूँ उसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना, ये सबके एक कंबाइंड डिस्कशन और कंबाइंड कोऑर्डिनेशन के बाद ये योजना वो आपके साथ देश के सामने प्रस्तुत किया। इन्योर पूरे करने के बाद एक बहुत ही डिसिप्लिन, स्किल्ड, मोटिवेटेड और जोश और जज्बे के साथ वो युवा बाहर जाएगा। दैट्स व्हाट द इंडियन आर्मी और द आर्म फोर्सेस विल गिव बैक टू द सोसाइटी। इस दौरान इस युवा को बाहर सेटल होने के लिए सक्षम बनाने के लिए 20 स्टेप्स लिए गए हैं। नए भारत की जो हमारे आज के युवा हैं वो इतने सक्षम हैं, जो क्वालिटेटिव चेंज इस स्कीम से आएगा वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि ये एक विन विन सिचुएशन है जिसमें जो हमारा युवा है उसके लिए भी बहुत कुछ है, हमारे देश के लिए भी बहुत कुछ है और आर्म फोर्सेस के लिए भी बहुत कुछ है। योजना के माध्यम से हमारी भारतीय सशस्त्र सेना की जो प्रोफाइल है वो और ज्यादा यूजफुल होगी, काफी ज्यादा युवा हमारे देश में शामिल होते मिले। हमारे युवाओं के लिए ये योजना एक नया अवसर बन के आई और ये एक ऐसी योजना है जो कि मैं समझता हूँ भारतीय फौज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण